जब भी हमें पृथ्वी की कोई तस्वीर दिखाई जाती है तो यह नीले रंग की होती है। क्या नीला रंग होने का कारण पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा महासागरों से ढका होना है? नहीं, इसका यह कारण नहीं है। इसका कारण छुपा है पृथ्वी के वायुमंडल में, जिसके कारण पृथ्वी से भी आकाश का रंग नीला ही नजर आता है। क्या आप जानते हैं आसमान का रंग नीला क्यों दिखता है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। दोपहर के समय ही हमें आसमान का रंग अच्छे से नीला दिखाई देता है। इसकी वजह है लाइट का स्कैटरिंग इफेक्ट। अगर यह स्कैटरिंग इफेक्ट है तो हमें यह गुलाबी, बैंगनी या फिर हरा क्यों नहीं दिखाई देता, केवल नीला ही क्यों नजर आता है? इन सभी सवालों का जवाब दे पाना इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है, इसलिए हम इसे और आसान बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, आसमान का नीला रंग सूर्य के प्रकाश और पृथ्वी के वायुमंडल के कारण ही हमें नीला दिखाता है। मगर सूर्य का प्रकाश तो हमें सफेद नजर आता है। जी हाँ, वह इसलिए क्योंकि यह सात रंगों के मिश्रण से बना होता है, वही सात रंग जो हम इंद्रधनुष में देखते हैं। अगर आपने जिंदगी में कोई इंद्रधनुष नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आप इसे प्रिज्म के माध्यम से भी देख सकते हैं। प्रिज्म या पानी के कण लाइट को मोड़ देते हैं, जिस वजह से यह सभी रंगों में बिखर जाते हैं। मगर आसमान का रंग नीला दिखाई देने में इससे थोड़ी अलग प्रक्रिया होती है। हम जानते हैं कि प्रकाश या लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इन विद्युत चुंबकीय तरंगों की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, जो किलोमीटर से लेकर नैनोमीटर की होती है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ मौजूद वायुमंडल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसों से मिलकर बना होता है। जब यह प्रकाश की तिरंगे सूर्य से चलकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इन गैस कणों से टकराकर बिखर जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कणों के साइज की वजह से सबसे ज्यादा नीले रंग का बिखराव होता है, इसी वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। मगर यह दिन में दोपहर को ही सबसे अच्छा दिखाई देता है। सुबह या शाम के समय हमें आसमान नारंगी या हल्का लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, आप इसे टॉर्च के माध्यम से देख सकते हैं। जिन प्रकाश तरंगों की वेवलेंथ जितनी छोटी होगी, वह हवा में मौजूद पानी, धूल व अन्य गैस जैसी बाधाओं से उतनी ज्यादा विचलित होंगी और अपने रास्ते से भटक जाएंगी। नीले रंग के प्रकाश की वेवलेंथ सबसे छोटी और लाल रंग के प्रकाश की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। दोपहर के समय जब सूर्य हमारे ऊपर होता है, उस समय प्रकाश को पृथ्वी के वायुमंडल में हम तक पहुंचने में सबसे छोटा रास्ता तय करना पड़ता है, जिस वजह से नीले रंग का प्रकाश आसानी से हम तक पहुंच जाता है। इसलिए दोपहर में हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, लेकिन सुबह या शाम के वक्त जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो उस समय सूर्य के प्रकाश को हम तक पहुंचाने के लिए वायुमंडल में से सबसे लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। छोटी वेवलेंथ वाली प्रकाश की तरंगे वहीं आसपास विचलित होकर बिखर जाती है और बड़ी वेवलेंथ वाली लाल और नारंगी रंग बिना विचलित हुए हम तक पहुंच जाते हैं, जिस वजह से हमें शाम के वक्त और सुबह के वक्त आसमान हल्का लाल व नारंगी नजर आता है। रात के समय में प्रकाश नहीं होता, इस वजह से लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट भी नहीं होता, जिस वजह से आसमान काला नजर आता है। अगर अंतरिक्ष से पृथ्वी का फोटो लेंगे या पृथ्वी को देखेंगे तो हमें पृथ्वी नीले रंग की नजर आएगी। ऐसा पृथ्वी के वायुमंडल की वजह से, लाइट के स्कैटरिंग इफेक्ट की वजह से होगा। अगर आपको इसी तरह की और वीडियो देखना पसंद है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।